कमरे में सोते थे, बरामदे का भी कमरे के रूप में प्रयोग करते थे। अच्छा अच्छा। उस समय रिवाज था प्राय सभी घरों में, तो हम बरामदे में रहते थे वहाँ। तो एक दिन मामी ने कहा कि कल मेरी बेटी आ रही है जवाई के साथ, तो बरामदे में तो वो लोग रहेंगे, तुम कहीं और जगह ढूंढ लो। अच्छा अच्छा। हमने कहा कहाँ एक दिन में जगह ढूंढे, तो हम एक सेंट्रल मोहल्ला कमेटी थी कलाकारी स्ट्रीट में। अच्छा। तो वो सफाई वफाई का काम देती थी बड़ा बाजार के इलाके का, ये जो कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं उनका देखती थी काम बड़ा। तो वहाँ उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, यहाँ रात को 10 बजे आ सकते हो और सुबह 6 बजे खाली कर दो। अच्छा। 6 बजे लोग आ जाते हैं काम करने वाले और 10 बजे हम लोग ऑफिस बंद कर देते हैं। तो 10 बजे मैं वहाँ एक बेंच पर सोता था टेबल पर, और 6 बजे खाली करता था। उसके पहले मैं टॉयलेट जाता था, तो टॉयलेट जाने में क्या था कि वो लोटा हम लोग लाइन में रखते थे। अच्छा। जिसका नंबर आता था वो अंदर चला जाता था। तो लोटा लेके अंदर गए तो बाहर से आवाज़ आने लगती थी, अगर 2 मिनट से देर हो गई तो क्या हो गया, सो गए क्या, अच्छा, तबीयत खराब है क्या। तो उस समय जो हमारे पैर की बीमारी हुई आज तक है। तो वो 1950 में आने के बाद इस तरह की समस्याएं कब तक रहीं? ये समस्याएं मेरे साथ चलती रहीं करीब 60-62। 60-62। तो नेहरू 51 में विस्मित में नौकरी की। 51 में। अच्छा। एक साल के लिए। अच्छा। 40 रुपया महीना मिलता था। अच्छा। उसके तो, बाद उसके बाद उसके बाद विस्मित के सामने ही अभी भी है वो जगह, एक कोठी जैसी थी जिसमें हम लोग 4 आदमी रहते थे। अच्छा। मैंने करवट भी मुश्किल से ले पाते थे, वहाँ रहे एक साल, क्योंकि जाने आने का काम का भाड़ा बच जाता था। अच्छा। वहीं अपना तैयार हो हुए ऑफिस चले गए। विस्मित में काम किया, इसी बीच में नवभारत टाइम्स निकलता था कलकत्ते में। अच्छा। नवभारत टाइम्स, सत्ययुग और टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय निकलता था गाँव में। अच्छा अच्छा। तो हम नवभारत टाइम्स में हरिशंकर द्विवेदी थे, उनको जानता था, उनके पास गया। मैंने कहा मैं विस्मृति की नौकरी छोड़ के आप क्या आ जाऊँ, बोला ठीक है तुम महीने भर काम करो, उसके बाद हम तुम्हारी सैलरी और तुम्हारा नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो हमने वहाँ काम किया 15 दिन। 16वें दिन नवभारत टाइम्स में फर्स्ट पेज पर छपा कि आज से तीनों ये टाइम्स ऑफ इंडिया के तीनों जो अखबार हैं ये बंद हो रहे हैं। अरे ये हरिशंकर द्विवेदी को भी नहीं मालूम था जो संपादक थे। अच्छा। 15 दिन में नौकरी ख़त्म, नियुक्ति पत्र का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम लोगों ने सब ने मिल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, डेली पेपर निकाला। अच्छा। उसमें कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कल्याणी में, जवाहरलाल नेहरू आए थे और इतनी भीड़ की पूछिए मत। ये कब का समय है? ये सर 53 में हुआ। 53 1953। हाँ देखे तो पूरे जख्म लास्ट एक होंगे धीरे धीरे जख्म होंगे। 1953। उसके बाद फिर उसमें वो भी अखबार कोऑपरेटिव कहाँ चलता है हिंदुस्तान में। अच्छा। और वो भी हिंदी भाषी और कोऑपरेटिव। अच्छा। आपस अच्छा। में लड़ मर के खम गए हम लोग, अखबार बंद हो गया। वो फिर हमने ये वीर भारत एक मासिक पत्रिका थी जमालपुर से निकलती, उसमें नौकरी की साल भर जी। उसके बाद हम आ गए कलकत्ता। फिर वो पूर्वी टाइम्स अखबार निकलता था गोरखपुर से, के डी मालवीय का जो मिनिस्टर थे, इलेक्शन का वक्त था और एडिटर ने बगावत कर दी, वो एंटी मालवीय हो गए। तब मालवीय ने हमको कहा कि तुम इस अखबार को संभाल लो और किसी तरह उसके हाथ से ले लो। तो हमने वहाँ बातचीत करके और करके पूर्वी टाइम्स में गए, हमने उसे किसी तरह इस्तीफा दिलवाया और प्रकाशक संपादक हम बने और वहाँ साल भर रहे हम, इलेक्शन तक रहे। इलेक्शन हो गया फिर हम उसको फोन भी कलकत्ता हो गया। फिर कलकत्ते से हमने अपना अखबार निकाला जन संसार। ये कब शुरुआत हुई? ये 68 में शुरुआत हुई। अच्छा। ये फिर चला 12 साल तक, 68 से लेकर के 78-79-80 तक। अच्छा। उस समय विशंबर नेवर और सीताराम शर्मा, हम और प्रेम कपूर, हम लोग 4 आदमी मिलते निकाल जन संसार। मालिक हम थे, प्रकाशक संपादक हम थे, दिसंबर सहायक संपादक और सीताराम शर्मा उप संपादक जी। ये हमने निकाला और उसमें सब। फिर हमने एक प्रेस खोली, एक प्रेस खरीदी, उसके लिए हमने लोन लिया
ढूंढने के पेज चलाई वहाँ पर और वो लिया हमने, पहले हाथ से जो कंपोज करते थे वो लगाया हमने, तो वहीं कंपोज होता था, वहीं पेज मान के हम लोग चार पेज छपने के लिए भेज देते थे, छप के आता था, वो चलाया। उसमें ये था कि जो विज्ञापन लाएगा वो 75% रखेगा, 25% अखबार को भेजेगा। अच्छा, उस विज्ञापन उससे हमको थोड़ी आमदनी। आज तो ठीक उलट हो गया है, उलट हो गया। हाँ, 75% जो है मालिक के और 25% जो लाएंगे वो। हाँ, नहीं उसमें अलग था। अच्छा, वामपंथ से ये विचारधारा से जुड़ाव के क्या कारण रहे? बचपन से जो गांव में हम थे जी, तो हम किशोरावस्था में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, कम्युनिस्ट पार्टी, अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें एक पार्टी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जब सदस्य हो गए तो वहाँ नियम कायदे कानून बहुत कड़े थे। एक तो ये कि हम लोगों को कहा जाता था लीडरशिप की तरफ से कि आप मजदूरों में किसानों में काम करने जाते हैं और आप ये चकचक धोती कुर्ता धोती पहनते थे। हाँ। और बूट पॉलिश करके जूता पहन के जाते हैं। हाँ। तो आदमी आपको बाबू बोलेगा, कॉमरेड नहीं बोलेगा। तो एक तो पॉलिश नहीं हो, साधारण जूता हो, कपड़े भी अपना मिट्टी से सने हुए हो थोड़े, ताकि आप उनके बीच में बैठ सके उनके हो करके, ये नियम था उसमें। और वहाँ पर एक वीकली बैठक होती थी सदस्यों की, वो लोकल समस्याओं पर, राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने विचार रखते थे। वो विचार डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जाते थे, डिस्ट्रिक्ट कमेटी भेजती थी इसको राज्य समिति को, राज्य समिति भेजती थी पॉलिट ब्यूरो। ये सिस्टम चल रहा बरसों तक चला, तभी तो कम्युनिस्ट पार्टी तैयार हुई उसमें। बाद में तो समझौता करके कम्युनिस्ट भी वही हो गए जो कांग्रेसी हैं, जो और लोग हैं। स्खलन कैसे शुरू हुआ? स्खलन इनका शुरू हुआ, ये एक तो जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आए तो पहले इन्होंने क्रांति की कोशिश की थी तेलंगाना में जी, हिंदुस्तान में क्रांति करके करेंगे। तो एक डेलीगेशन गया था स्टालिन से मिलने मॉस्को, तो स्टालिन ने कहा कि आपने जहाँ से शुरू किया वहाँ से समुद्र कितनी दूर है? बोले कि 100 किलोमीटर। वहाँ से कोई भी बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर कोई है? बोला कोई बॉर्डर नहीं है। और ये सब सवाल कुछ पूछे, उन्होंने जवाब दिया, तो स्टालिन ने कहा कि वहाँ से क्रांति नहीं हो सकती, आपको तो क्रश कर देगी गवर्नमेंट 6 महीने के अंदर। तो वही हुआ, फिर वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आ गए। 52 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट और सबसे कम उम्र का आदमी जो जीता वो तेलंगाना था, तेलंगाना का था। और वो रिवोल्यूशनरी जो तेज था पार्टी का उसमें था वो। अच्छा, उस आंदोलन में था वही जीता 52 में। तो जब वामपंथ या CPI भी या CPM भी कांग्रेस और भाजपा की तरह हो गई और अंदलों की तरह, तो 34 साल शासन करने के पीछे क्या राज रहे होंगे? एक बात हम बता दें कि जब चीन ने हमला किया अच्छा हिंदुस्तान पर, तो उसकी निंदा नागार्जुन ने की, धर्मी भी उनकी कविता छपी हमले के खिलाफ, उसको लेके पार्टी में मतभेद हो गया। एक धड़ा बोला कि चीन ने हमला नहीं किया और एक धड़े ने कहा कि हमला किया। जिसने कहा हमला किया वो हो गई कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने कहा हमला नहीं किया वो हो गई कम्युनिस्ट पार्टी CPM। तो नीचे का हिस्सा हो गया CPM, यानी कार्यकर्ता ये वो सब, और खोपड़ा दिमाग जो है वो चला गया CPI में। डिवीजन इस तरह हुआ पार्टी का। अच्छा। और उसके बाद वो आ गए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो तरीका है भ्रष्ट करने का, उसमें वो भी भ्रष्ट होते चले गए। तो यहाँ इन्होंने जब शासन किया तो शुरू में तो भूमि सुधार किया बंगाल में। अच्छा। लागू हुआ और उसका नतीजा, उसका भी एक सीमा होती है। अब उसका नतीजा है कि बंगाल में किसी के पास 1 बीघा से ज़्यादा जमीन नहीं, किसी के पास, इसलिए यहाँ को ट्रैक्टर सबसे कम बंगाल में होगा। छोटी खेती में क्या यूज़ करेंगे ट्रैक्टर? अच्छा। तो उसमें डिवीजन जो हुआ तो हम CPI के साथ रहे, लेकिन बाद में हमने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी। कारण? हमने कहा ये सभी पार्टियों में वही एक तरह का मिला जुला चरित्र आ रहा है, तो फिर ये पार्टी फाटी करके लाते हैं, मतलब वही भ्रष्टाचार, वही मुनाफा, वही वही सब कुछ। हमने कहा भैया हमसे नहीं हुआ, इतना हद तक हम कर भी नहीं सकते। मतलब विचारधारा और सिद्धांत पीछे छूट गए और मुनाफा आगे रह गया। आगे रह गया। तो 34 साल के शासन में क्या किया जी, जो आदमी हमसे 5 रुपये मांगता था कोई जमाने में, जो अखबार निकलता था हमारा जी जी, थोड़ी कमाई भी होती थी, हमने देखा कि 1 साल के अंदर वो आदमी, हम रास्ते में खड़े हैं, गाड़ी आके रुकी
थोड़ा चुकौत है, कुंडी के जाकर हमको पूछा, हमने कहा ये तो वो है, हमने कहा नहीं हम ऐसे ही खड़े हैं, कहीं जाना नहीं, हम उसकी गाड़ी में बैठना नहीं चाहते, वो गाड़ी लेके चला गया। हमने कहा ये चेंज साल दो साल में, तो ये 34 साल तक ये प्रक्रिया चलती। तो क्या ये जो मुनाफा जो हुआ भया क्रांत करके लोगों को लोगों पर अत्याचार करके लोगों से जो आज कहा जा रहा है ये इस चुनाव में कट मनी और भी तरह के सिंडिकेट मनी, ऐसे तो नहीं था लेकिन ये था कि कहीं आप मकान, ये कट मनी और सिंडिकेट मनी के क्या उसमें शुरू नहीं हुआ था। अच्छा, उस समय क्या था कि आप कहीं मकान बनाने जा रहे तो लोकल पार्टी से एक आदमी आता था, वो बोलता था सीमेंट आप इससे लीजिए और बालू इससे लीजिए, ईंट इससे लीजिए। हमने कहा भाई अपना हम मकान बनाएंगे, हम अपने ढंग से बनाएंगे, कैसा माल देना है, कितना मजबूत देना है वो हम तय करेंगे, वरना नहीं आपको इनसे लेना होगा, और अगर नहीं लेंगे तो आप फिर इतना पैसा दे दीजिए पार्टी को। अच्छा अच्छा, शुरुआत वहाँ से हुई। और ये शुरुआत करवाई सुभाष, वो क्या था मंत्री चक्रवर्ती, सुभाष चक्रवर्ती, उसने शुरुआत की। तो पार्टी में जो गिरावट आई उसको लेकर, चूंकि आप आपका परिचय या आपकी पहचान या आपका जो संपर्क था पार्टी के वरिष्ठ लीडरों से था, तो कभी आपने इस तरह की शिकायतें की या उनको बोलते थे अगर कोई सेमिनार होती थी, दरभंगा हॉल में भी कई सेमिनार हुई, उसमें हम भाषण में ही बोलते थे यहाँ यहाँ कमियाँ हैं पार्टी को देखनी चाहिए। अच्छा, तो उनको विमान बोस बोलते थे कि आप बंगाल को और बंगाल की पार्टी को समझ नहीं पा रहे, आप बाहर से आए। अच्छा, हम पक्के बंगाली हो गए हैं, बंगाली कल्चर को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, बाहर से आए ये मत बोलिए हमको। अच्छा, इस तरह विमान बोस से होती थी, वो आज भी आप कहेंगे तो आपको कभी लेके चल सकते। तो क्या जो बाहरी लोग हैं नॉर्थ इंडियन लोग उत्तर भारतीय, तो बंगाल में भी क्या उनके साथ इस तरह का भेदभाव है कि कहीं आप बाहर के हैं इसलिए मेरी संस्कृति में कल्चर को नहीं समझते हैं, मेरी सभ्यता भाषा वगैरह को नहीं समझते हैं? आपको उदाहरण दे रहे हैं जी, शुरू में पश्चिम बंगाल में 14 हिंदी भाषी मेरे होते थे, 14 जी जी, मजदूर इलाके से बसंत लाल मुरारका मारवाड़ी मजदूर इलाके से जीत के आता था, वो मजदूरों के लिए फाइट करता था, बाद में के शुक्ला भी आया, इधर ईश्वरदास जालान, इधर आनंद लाल पुद्दार, जोड़ा साकू, बड़ा बाजार, जोड़ा बागान, ये तीन कंस्टिट्यूएंसी पहले तुमको किया था।